यूं तो टीवी की दुनिया में इस वक्त कई हैंडसम हंक नजर आ रहे हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी जनता का प्यार तो क्या उनका दिल तक नहीं जीत पा रहे, ना ही वो टीआरपी पर राज कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वही टीवी के 5 हैंडसम हंक जनता को खूब पसंद आ रहे हैं और वो टीआरपी में भी खूब राज कर रहे हैं। तो आखिरकार कौन कौन से वो हैंडसम हंक और कैसे वो जनता की पसंद बन गए हैं और टीआरपी पर राज कर रहे हैं, चलिए आपको भी उनके बारे में बताते हैं। नंबर 1, हर्षद चोपड़ा। पिछले 10-12 साल से लोगों का पसंदीदा शो बना ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रहे अभिनेता हर्षद चोपड़ा को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिन्हें आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं कि इन्होंने आते ही लोगों के दिलों पर अपनी मोहर लगा दी है और साथ ही सीरियल की डूबती नैया को भी बचा लिया है जो आज टीआरपी में राज कर रहे हैं। नंबर 2, गौरव खन्ना। यूं तो अनुपमा सीरियल हमेशा से लोगों का फेवरेट रहा है, पर अनुज कपाड़े यानी गौरव खन्ना के आते ही ये शो लगातार टीआरपी चार्ट में पहले पैदान पर बना हुआ है, जहां वो अपना किरदार पूरी शिद्दत और ईमानदारी से तो पेश कर ही रहे, साथ ही अनुपमा के साथ अपनी केमिस्ट्री भी जमा कर ये लोगों के फेवरेट हैंडसम हंक बन गए हैं। नंबर 3, करण कुंद्रा। कुछ वक्त पहले ही कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल तेरे इश्क में घायल के साथ काफी टाइम बाद एक्टर करण कुंद्रा ने टीवी पर वापसी की है और आते ही वीर के किरदार में इतनी बखूबी ढल गए हैं कि आज इनकी चर्चा तो हर घर में हो रही है, साथ ही ये शो भी टीआरपी लिस्ट में आ गया है। नंबर 4, अदनान खान। कथा अनकही सीरियल में लीड रोल प्ले कर रहे अभिनेता अदनान खान भी वो हैंडसम हंक है जिन्हें जनता बेहद पसंद कर रही है और ये टीआरपी में भी राज कर रहे हैं, क्योंकि अभिनेता सीरियल में अपनी पूरी जी जान लगाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ रहे और अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से भी ये सभी का खूब दिल जीत रहे हैं। नंबर 5, हर्षद अरोड़ा। माना कि हैंडसम हंक हर्षद अरोड़ा सीरियल गुम है किसी के प्यार में साइड रोल प्ले कर रहे हैं, पर ये अपने डॉक्टर के किरदार के इस तरह आन बान और शान बढ़ा रहे हैं कि लोगों को इनका अंदाज इनकी एक्टिंग खूब पसंद आ रही है, यही वजह है कि ये शो की टीआरपी में राज कर रहे हैं। वेल दोस्तों, इन एक्टर्स में से आपके फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।